हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोई नए फ्रेंड्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आता है, उसे प्रेस कीजिए। बाद में बेल बटन आता है, उसको भी प्रेस कीजिए। जब मैं कोई भी नया वीडियो रखती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन से पता चलता है। आज का वीडियो है नेचुरल शैम्पू। ये शैम्पू आपके हेयर पे ऑयल को निकाल देता है और आपके हेयर को हेल्दी बनाता है। इसके लिए हमको चाहिए ग्राम फ्लोर, मतलब बेसन। बेसन आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हेयर फॉल को भी रोक देता है और एक नेचुरल क्लेंजर जैसे काम करता है। अब इसमें डालते हैं दही। आप बिना दही से भी ये शैम्पू बना सकते हो। अब डालते हैं हनी। मेन तो आपको बेसन चाहिए, आप ओनली बेसन से भी आपके हेयर धो सकते हो। हनी आपके हेयर को एक मॉइस्चराइजर जैसे काम करता है, एक कंडीशनर जैसे भी काम करता है और हेयर ग्रोथ होने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। इसमें बहुत ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हेयर फॉल को भी रोक देता है, डैमेज को भी रोक देता है और हेल्दी हेयर देता है। अब डालते हैं लेमन। लेमन में विटामिन सी होता है, ये हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और जड़ों से मजबूत करता है, डैंड्रफ को भी निकाल देता है और हेल्दी हेयर देता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। हमारा नेचुरल शैम्पू रेडी हो गया है। ये शैम्पू आपके मार्केट वाला शैम्पू जैसे ही काम करता है। एक एक बाल खिला खिला और हेल्दी हेयर होते हैं आपके। आपको एहसास ही नहीं होता आप बेसन से अपने बाल धोए हैं। एक शैम्पू बाहर वाला मार्केट वाला शैम्पू जैसे ही काम करता है। आपके बाल स्ट्रेट भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ही पता चलता है। नेचुरल है और बहुत ईजी है बनाना और कोई केमिकल्स नहीं है। ये शैम्पू आपके हेयर के फ्रिजीनेस को कंट्रोल करता है और ड्राइनेस को भी निकाल देता है और एक नेचुरल कंडीशनर जैसे भी काम करता है और डैंड्रफ को भी निकाल देता है। हमारा शैम्पू रेडी हो गया है। अब इस शैम्पू को आपके हेयर पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। आपके हेयर को शाइनी बना देता है और लॉन्ग भी बना देता है और दो मुहे बाल को भी निकाल देता है। आप देख सकते हो मेरे हेयर पे ऑयल है। ये शैम्पू आपके हेयर पे ऑयल को भी निकाल देता है, इसलिए मैं आपको डेमो से दिखा रही हूँ। आप तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये। नेचुरल है और कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। आपको हेयर को हेल्दी बनाता है और धीरे धीरे लॉन्ग भी होते हैं। इस शैम्पू को आपके स्कैल्प पे हेयर पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद एक 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स भी रख सकते हो। इससे आपका ऑयल पूरा बेसन ऑब्जर्व कर लेता है और आपके हेयर पे ऑयल को निकालने में हेल्प करता है और आपके हेयर को पोषण भी मिलता है। अगर आपके हेयर ड्राई हो तो आप बेसन, ओनली बेसन ही अप्लाई करके भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा काम करता है। आपके हेयर पे जो भी ड्राइनेस हो वो धीरे धीरे चल जाता है, आपके हेयर भी स्ट्रेट होते हैं। ये शैम्पू आपके हेयर को जड़ों से मजबूत करता है और लॉन्ग भी करता है और दो मुहे बाल को भी निकाल देता है। ये शैम्पू आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए आपके बाल कितने खिले खिले हैं और कितने हेल्दी हैं। ये शैम्पू को ऐसे ही आपके सारे बालों पर ऐसे ही अप्लाई कीजिए। ये नेचुरल शैम्पूस होते हैं ना, आपको हेयर को पोषण भी देते हैं और बिना केमिकल से आपके हेयर भी साफ कर देते हैं। इस शैम्पू को आप शॉर्टकट शैम्पू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भिगोना पकाना ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टेंट ही मिला के अप्लाई करके आपके हेयर साफ कर सकते हो और ऑयल को भी निकाल देता है। आप इस शैम्पू से कितने सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपके हेयर स्ट्रांग होते हैं, लॉन्ग होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इस शैम्पू को आप एक 10 to 15 मिनट्स ऐसे रखे, आप पानी डाल के धो दीजिए। बस हो गया अपना शैम्पू। आपके हेयर स्ट्रेट होते हैं और हेल्दी होते हैं। मेरे हेयर पूरे तरह से ड्राई नहीं हुए हैं, थोड़े ही ड्राई हुए हैं, फिर भी आप देख सकते हो कितने अच्छे स्ट्रेट हो गए हैं मेरे हेयर। बेसन में प्रोटीन होता है, आपको हेयर को लॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। ये शैम्पू आपके हेयर को लॉन्ग करता है और स्ट्रांग बनाता है, एक कंडीशनर जैसे भी काम करता है। आपको नहीं लगता है आप बेसन से अपने बाल धोए हैं, एक शैम्पू जैसे ही काम करता है, मार्केट वाला शैम्पू जैसे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यह है फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।